अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिश शाहिद। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ, थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, यूएसए अपॉइंटमेंट की जो लेटेस्ट अपडेट है। वो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि किस तरह अपॉइंटमेंट मिल सकता है। कोई पूछ रहा है 12 AM PM, कोई पूछ रहा है कि मैं कनाडा में हूँ तो मुझे कैसे, कनाडा का टाइम क्या होगा, यानी किस टाइम अपॉइंटमेंट मुझे मिल सकता है। कोई दुबई में है, कोई डिफरेंट रीजन्स में है, कंट्रीज़ में। और इसके साथ साथ मुझे मल्टीपल लोग कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो सवालात कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत करूँगा कि मैं आपके कमेंट्स का थोड़ा सा लेट रिप्लाई करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मेरा अपना भी मल्टीपल 3-4 बिजनेसेस हैं, मैं वो भी देख रहा होता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके कमेंट्स को पहले स्टडी कर रहा होता हूँ कि आपका जो सवाल है वो क्या है, उस हिसाब से मैं पहले उसको वर्किंग करता हूँ, सिस्टम पे सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर मुझे आपको जवाब देना होता है। तो जो जवाब देने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी अगर आप कल कमेंट करते हैं तो मैं एक दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, तो आप नाराज़ नहीं हुआ करें कि मैं रिप्लाई लेट कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। देखें, हमारा जो चैनल है ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को हम गाइड करते हैं, बताते रहते हैं, तो है ही आप लोगों के लिए बनाया है, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए गया है कि आप लोगों को जो है वो सही गाइडेंस मिले कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किस ट्रैवल हिस्ट्री के अगेंस्ट में आपको कौन सा वीज़ा मिलना ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली चैनल बनाई आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है, जो है वो नहीं होना, पैनिक नहीं होना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँ। मैं रिप्लाई आपको हर एक कमेंट का सबको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, लोग मुझसे अब मेरा नंबर मांग रहे हैं, मैं ऑफिशियली, मेरे पास नंबर आ चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मुझसे इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। और काइंडली मुझे कॉल ना करें, मुझे आप जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को खुद रिप्लाई करूंगा। कॉल्स पे क्या होता है कि मैं कभी कहाँ होता हूँ, कभी कौन सी मीटिंग में होता हूँ, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, माजरत के साथ। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूँगा। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों, आप चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन हमारा चैनल भी साथ साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली कुछ ऐसी वीडियोज़ होंगी जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी होंगी, तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक हमारी वीडियोज़ पहुँच सकेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूएसए अपॉइंटमेंट की। देखें दोस्तों, अगर अभी आप ऑफिशियली यूएसए का फॉर्म फिल करते हैं, जो कि B1 B2 का फॉर्म है, वो आप विज़िटर के लिए जो है, विज़िट वीज़ा के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, उसका आप जो है वो उसका चालान जनरेट हो जाता है, चालान आप पे करते हैं, चालान पे करने के बाद जो है वो आपको, यानी कि वो समझ लें उसके आपको अपॉइंटमेंट डेट्स नज़र आ जाती हैं। तो ऑफिशियली अगर अपॉइंटमेंट डेट देखें तो वो 2023 के जनवरी में आपको जाके अपॉइंटमेंट मिल रही है। अब मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि आपको सिस्टम पे खुद, यानी आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, अगर आपको जिस तरह ट्रेवल एजेंसी वाले क्या करते हैं, आपसे पैसे चार्ज करते हैं लाइक 25,000-30,000 के, हम आपको डेट जल्दी दिला के दे देंगे यूएसए के अपॉइंटमेंट की। तो वो क्या करते थे, वो ये करते हैं कि यूएसए का एक टाइम स्लॉट होता है 11 से 12 के दरमियान, कुछ डेट्स वो ओपन कर देते हैं, यानी जो फ्री अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो लोग अटेंड नहीं करने वाले होते हैं या जो लोग अटेंड नहीं करते हैं, तो वो स्लॉट्स ओपन हो जाती हैं। अब क्या होता है कि अगर आप सिस्टम पे बैठे होंगे, आप अपना पेज जो आपका B1 B2 का जो आपका अपॉइंटमेंट का पेज है, आप उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो वो पेज पे आपके पास मल्टीपल डेट्स शो हो जाती हैं, उसमें जो भी डेट आपको सेलेक्ट करनी है आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और वो आपके पास अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है आपका। वो जल्दी की डेट्स होती हैं, यानी आपका तो ऑफिशियली तो 2023 की जनवरी का अपॉइंटमेंट है, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ के सेप्टेम्बर में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक तरीक़ेकार है। दूसरा ये है कि देखें, अपॉइंटमेंट अगर आपको ऑफिशियली देखें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, लाइक 3 दफ़ा आप अपने अपॉइंटमेंट को, डेट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, एक आम आदमी की तरह अगर आप काम कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं है, आपको इतनी चीज़ों का नहीं पता, आप अपनी एप्लीकेशन को ख़राब ना करें, ठीक है। आप सिंपल जो है वो हमसे रब्ता कर लें, हम आपको जो है वो इसकी गाइडेंस दे देंगे किस तरह से आपको करना है, या किसी ऑथोराइज ट्रैवल एजेंसी से रब्ता कर लें तो वो आपको ये करके दे देंगे। इससे क्या हो रहा है, देखें मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, यानी उनका अकाउंट जो है वो सीज हो गया, यानी 78 आवर्स के लिए वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं यूएसए के वेबसाइट में ऑफिशियली। तो अगर आप मल्टीपल अटैम्प्ट करते रहेंगे और आपको इतनी नॉलेज है नहीं, तो आपकी एप्लीकेशन ख़राब होने के चांसेज हैं। तो ख़ुद से ये ना करें, बेहतर ये है कि आप अगर खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे रब्ता करें या किसी थर्ड पार्टी से रब्ता करें, जो ट्रैवल ऑथोराइज ट्रैवल एजेंसी हो, जो आपको प्रॉपर काम करके दे, ठीक है, उनसे रब्ता करके आप करवा सकते हैं।
अपॉइंटमेंट्स के अपडेट मैंने आपको बता दिए, अभी अवेलेबल नहीं है। 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो फॉर्म आपको पता है ऑनलाइन फिल होता है, इसकी ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें थी यूएसए की लेटेस्ट अपडेट आपको देनी थी कि अपॉइंटमेंट क्या है, क्योंकि सबको मैं कमेंट पे जवाब दे रहा था। मैंने सोचा एक दफ़ा वीडियो बना के आप सबको एक ही दफ़ा में बता दूँ, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है यूएसए की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।